हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम आपका पढ़ रहे थे डाइपोल मोमेंट। ठीक है, पहला लेक्चर आने के बाद दूसरा लेक्चर आने में देर इसलिए हो गया क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ी चोट लग गई थी जिसकी वजह से लिखने में परेशानी हो रही थी। ओके, अब सही हो गया, अब लेक्चर देरी नहीं होगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि बेंजामिन स्ट्रक्चर में डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया ना एंगल कैसे देखते हैं, एंगल देख के टर्मिनेटिंग वेक्टर वाला, ओरिजिनेटिंग वेक्टर वाला, तो एंगल के हिसाब से देख लेना कि थीटा ज़्यादा तो डाइपोल मोमेंट कम। ठीक, तो कैसे कंपेयर करते हैं बेंजामिन स्ट्रक्चर में वो बता दिया हमने। अब देखते हैं हम नॉन बेंजामिन स्ट्रक्चर में डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं। नॉन बेंजामिन स्ट्रक्चर में डाइपोल मोमेंट कैसे पूछता है भैया मेरे, इस तरह के सवाल आ जाते हैं। देखिए, द मॉलिक्यूल विच हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट, इनमें से किसका जीरो डाइपोल मोमेंट है, अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इस टाइप का सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोराइड्स ऑफ जेनोन हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। ठीक है, कैसे बताएंगे कि किसका डाइपोल मोमेंट जीरो है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इनमें से कौन सा पोलर है, पोलर कौन सा होगा जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, इनमें से डाइपोल मोमेंट किसका मैक्सिमम। तो ऐसे ही सवाल आपके आते हैं कि किसका जीरो डाइपोल मोमेंट है, किसका मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, या फिर ऐसे दे देगा कि तीन चार पांच कंपाउंड दे देगा, बोलेगा इनका डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा बताओ, इस तरह के डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर पूछ देगा। या फिर यहाँ पे भी देखिए, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर पूछ देगा। तो सिंपली वे में कैसे हम इन सब सवालों को करेंगे, आइए आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, तो नॉन बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर में पहला जो केस आपका आ जाता है, फर्स्ट केस जो होता है वो किसका होता है, पहला केस वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का होता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का होता है, नाम से ही पता चल रहा है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम हो। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में फर्स्ट केस होता है आपका होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, अब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से हो जाते हैं भैया मेरे, जिनमें एटम्स क्या हो, सेम हो। होमो का मतलब होता है सेम, जैसे H2 ले लो, N2 ले लो, O2 ले लो, Cl2 ले लो, Br2 ले लो, F2 ले लो, ये क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इनका डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होता है, क्यों जीरो होता है भैया मेरे, क्योंकि मान लो अगर हाइड्रोजन ऐसे करके सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन के पीछे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ना ही इधर खिसकेगा ना ही इधर खिसकेगा। जब इलेक्ट्रॉन खिसकेगा ही नहीं तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव डेवलप नहीं होगा। अब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव डेवलप नहीं होगा तो मतलब क्या है, चार्ज क्या है, जीरो है। और जब चार्ज जीरो है तो म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इन टू डी भी क्या हो, जीरो होगा। अगर क्यू जीरो है तो म्यू भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो जब चार्ज ही नहीं डेवलप हो रहा है तो डाइपोल मोमेंट कहाँ है का भैया। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना होने की वजह से चार्ज डेवलप नहीं होता। चार्ज जब जीरो होगा तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, तो दूसरा, और दूसरा केस क्या हो जाता है इसमें, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। जैसे सबसे फेमस एग्जांपल इसमें है आपका HF का, HCl का, HBr, HI। ठीक है, इनमें देखिए HF थोड़ा फीलिंग आ जाएगी, ऐसे बना देता हूँ, HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया और HI हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या है, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा और यहाँ आपका चार्ज ज़्यादा डेवलप करेगा पार्शियल पॉजिटिव। फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव क्लोरीन है तो यहाँ पे थोड़ा कम चार्ज डेवलप होगा फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ब्रोमिन थोड़ा और कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो थोड़ा और कम चार्ज यहाँ डेवलप करेगा। और आयोडीन इन सभी में से सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये और कम चार्ज डेवलप करेगा। मतलब सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ डेवलप हो रहा है, यहाँ डेवलप हो रहा है। तो चार्ज अगर ज़्यादा डेवलप हो रहा है तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चार्ज ज़्यादा डेवलप कर रहा है तो म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इन टू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ओके, एक केस ऐसा होता है जहाँ पे चार्ज और डिस्टेंस दोनों डोमिनेटिंग फैक्टर होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटर्नल केस है, नहीं तो हर जगह क्या होता है आपका, चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। जैसे कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और डिस्टेंस पे। डिस्टेंस का ऑर्डर देखेंगे तो इसमें डी की वैल्यू क्या आएगी,
ज़्यादा होगी। डिस्टेंस का ऑर्डर ऐसे, एच आई का सबसे ज़्यादा में डिस्टेंस मिलेगी आपकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसके बाद एच वी आर में मिलेगा, उसके बाद एच सी एल और उसके बाद एच एफ में। तो हमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस नहीं कंसिडर करना रहता, हमेशा चार्ज को कंसिडर कीजिएगा, चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, सिर्फ यही मॉलिक्यूल है जिसमें चार्ज और देखते हैं, बाकी सबके केस में मैं बता रहा हूँ ना बड़ा सिंपल वे में। ठीक है, तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के केस में ऐसा आप डाइपोल मोमेंट निकालिएगा कि होमोटोमिक का जीरो और हेट्रोटोमिक में यही एक देगा, तो उसमें देखिएगा पोलैरिटी या चार्ज किसके केस में ज़्यादा है, क्यू ज़्यादा तो म्यू भी ज़्यादा भैया, समझ में। ओके, अब चलिए चलते हैं पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स की तरफ, पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल। ओके, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में कैसे देखेंगे भाई मेरे, ध्यान दो। पहला केस में बना रहा हूँ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कंपाउंड्स हैविंग जीरो लोन पेयर। ठीक है, ध्यान दो, लैंग्वेज को ध्यान दो, जीरो लोन पेयर एंड ऑल सराउंडिंग एटम। ठीक है, ऑल सराउंडिंग एटम सेम, ऐसे कंपाउंड जिनके पास जीरो लोन पेयर होते हैं और सभी सराउंडिंग एटम सेम होते हैं, आंख बंद करके लिख दो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। ठीक है, आंख बंद करके लिख दो डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। कैसे, जैसे मान लो ए बी टू टाइप का मॉलिक्यूल्स तुमको दे दिया, जो ए बी टू टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन एस पी होता है। ठीक है, और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, एस पी है तो लीनियर हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं सी ओ टू ले लो, बी ई सी एल टू ले लो। अब इनका डाइपोल मोमेंट कैसे जीरो होता है भैया मेरे, देखो यहाँ पे जिस बेरिलियम होगा, बेरिलियम से क्लोरीन एक ऐसा जुड़ा होगा, स्ट्रक्चर तुमको बनाने की जरूरत नहीं है, ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, सीधे लिख देना जीरो डाइपोल मोमेंट। अब देखो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस बॉन्ड मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसे इधर जाएगी और इस बॉन्ड मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसे इधर जाएगी। इसका मैग्नीट्यूड ए होगा तो इसका मैग्नीट्यूड भी ए होगा, क्योंकि एटम सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, म्यू क्या मिल जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशन अगर अप्लाई होती है कि कंपाउंड हैविंग जीरो लोन पेयर और सभी सराउंडिंग एटम सेम, तो जान लो भैया मेरे जीरो ही डाइपोल मोमेंट मिलेगा। ठीक है, तो पहला ये हो गया, मान लो ए बी थ्री टाइप का कोई मॉलिक्यूल हो गया, दिखा दे रहा हूँ, ए बी थ्री टाइप का जो मॉलिक्यूल होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू होगा, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी यार, ट्राइंगोनल ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, जैसे एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं बी सी एल थ्री, बी एफ थ्री ले लो, एस ओ थ्री ले लो। ठीक है, एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, इनमें क्या होगा, जैसे मान लो ये बोरॉन है, बोरॉन से एक क्लोरीन ऐसे जुड़ा होगा, एक क्लोरीन ऐसे जुड़ा होगा, एक क्लोरीन ऐसे जुड़ा होगा। ठीक, सभी बॉन्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और मैंने आपको बताया था कि दो बॉन्ड के मैग्नीट्यूड सेम हो, मान लो इसका ए मैग्नीट्यूड है, इसका में इसका भी ए। ओके, तो ये सारे बॉन्ड कितने डिग्री एंगल पे होते हैं आपके, 120 डिग्री पे होते हैं हर एक, तो दो बॉन्ड के बीच अगर एंगल 120 डिग्री होता है और उनका मैग्नीट्यूड ए है, तो रिजल्टेंट क्या आता है, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में इन दोनों का आएगा, और क्या आएगा, रिजल्टेंट ए आएगा। अब ये वाला रिजल्टेंट जो इन दोनों का रिजल्टेंट ए आया, और ए ये जो ए है, ठीक है, इन दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, म्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में ए आ रहा है, और ये ए और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, जिससे ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल्स हो जिनमें आपका ये कंडीशन अप्लाई हो रही हो कि हैविंग जीरो लोन पेयर ऑल सराउंडिंग एटम सेम, ठीक, तो आप स्ट्रक्चर मत बनाइए, सीधे लिख दीजिएगा डाइपोल मोमेंट जीरो। ए बी फोर टाइप का मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप का मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 होता है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, टेट्रा हेड्रल होता है। ठीक, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, टेट्राहेड्रल, जैसे कंपाउंड ले लीजिए CH4 CCl4, देखिएगा इनमें क्या है, एक भी लोन पेयर नहीं है, सभी सराउंडिंग एटम सेम है, म्यू सीधे लिखिएगा आप जीरो। ठीक है, फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं, म्यू सीधे आप जीरो लिख दीजिएगा। उसी तरह Ab5 टाइप का अगर कोई कंपाउंड है, इनका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d आ जाता है, ज्योमेट्री आपकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाती है। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जैसे ये होता है pf5 होता है, pcl5 होता है, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, कि जिनमें जीरो लोन पेयर और सभी सराउंडिंग एटम सेम हो, म्यू क्या हो जाएगा इनका, जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब ab6 टाइप का मॉलिक्यूल्स हो गया, जैसे
इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाता है। ज्योमेट्री आपकी ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल, या फिर एक और नाम होता है ना स्क्वायर बाई पिरामिडल बोल के। तो इस टाइप के मॉलिकल्स कौन कौन से हो जाएंगे आपके, SF6 हो जाता है सबसे फेमस, SEF6 हो जाता है। तो इस टाइप के मॉलिकल्स में भी डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक, सभी बॉन्ड एक दूसरों को कैंसिल आउट कर जाते हैं। फिल करवाऊँ क्या, चलिए रहिए फिल करवा देता हूँ, ये मॉडल बना के, ये मॉडल के थ्रू आपको बता रहा हूँ। जैसे कि AB5 टाइप का जो मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री ये होती है, देखिए ये मिलकर ट्राइंगल बना रहे हैं तो इसको ट्राइगन, और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसलिए बोलते हैं कि प्लेन वाले बॉन्ड ट्राइंगल बनाते हैं और ये प्लेन के ऊपर जो रहता है वो एक पिरामिड बनाता है, ऐसे करके एक पिरामिड और नीचे वाला एक पिरामिड, इसलिए ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल कह दी। अब देखिए ये तीनों बॉन्ड जो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितने हैं, 120 डिग्री पे है, तो 120 डिग्री पे हैं, अभी मैंने बताया ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री में। इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे होके गुजरेगा इस साइड से, ठीक है, इस साइड से गुजरेगा और इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो ये तीनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, ठीक, डाइपोल मोमेंट जीरो आ जाएगा। फिर ये ऊपर नीचे वाले भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितने हैं, 180 डिग्री पे हैं, इसका मैग्नीट्यूड है तो इसका भी मैग्नीट्यूड है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, ठीक है। उसी तरह SF6 मॉलिक्यूल जो होता है ना उसकी ज्योमेट्री कैसे हो सकती है, स्क्वायर बाई पिरामिडल होती है, तो यहाँ सल्फर होगा, यहाँ फ्लोरिन, इधर फ्लोरिन, इधर फ्लोरिन, ठीक है, इधर फ्लोरिन, इधर इधर इधर, और एक फ्लोरिन ऊपर होगा, एक फ्लोरिन क्या होगा आपका नीचे होगा। तो देखिए ये सारे फ्लोरिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 180, ये वाला फ्लोरिन का ऐसा जाएगा, ये वाला फ्लोरिन का ऐसा जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि एटम सेम है, डायरेक्शन अपोजिट, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, ये वाला इसको कैंसिल आउट करेगा, ये वाला इसको करेगा, ये वाला इसको करेगा, ये वाला इसको करेगा, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक, वही AB7 टाइप का मॉलिक्यूल जो हो जाए आपका, एक ही मॉलिक्यूल होता है IF7, ठीक, इनमें डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d3 होता है, ज्योमेट्री आपकी क्या होती है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल ऐसे करके ज्योमेट्री होती है। कैसे जीरो आता है दिखा देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आयोडीन होगा, यहाँ से एक फ्लोरिन, एक फ्लोरिन इधर, एक फ्लोरिन इधर, एक फ्लोरिन इधर, ऐसे करके फ्लोरिन लगा होगा, ठीक है, एक फ्लोरिन ऊपर की तरफ और एक फ्लोरिन नीचे की तरफ। तो ये जो प्लेन में पांच फ्लोरिन है इनका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या आता है, जीरो आता है, और ये वाला बॉन्ड जो होते हैं इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाते हैं। तो इस टाइप के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें जीरो लोन पेयर होगा और सभी सराउंडिंग एटम सेम होगा, उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ओके, दूसरा केस लेते हैं कंपाउंड्स हैविंग, ये हो गया आपका कंपाउंड्स हैविंग जीरो लोन पेयर और सभी सराउंडिंग एटम सेम, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, दूसरा केस हम लेते हैं, दूसरा केस आपका कंपाउंड्स हैविंग लोन पेयर, ठीक है, और डिफरेंट सराउंडिंग एटम, ठीक है, ऐसे इस तरह के कंपाउंड्स आपको मिलेंगे, जैसे NH3 हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, SO2 हो गया, ठीक है, NF3 हो गया, HF, H2O2, इस तरह के कंपाउंड्स में क्या है, लोन पेयर होते हैं, तो इनके केस में कैसे डाइपोल मोमेंट हम देखेंगे अभी बता रहे हैं, और ये वाले जो होते हैं डिफरेंट सराउंडिंग एटम वाले, जैसे CHF3 हो गया आपका, CH Cl3 हो गया आपका, CH Br3, CH I3, ठीक है, एक और ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि CH3F होता है आपका, CH3Cl होता है आपका, CH3Br होता है, CH3I होता है। तो इस तरह के कंपाउंड्स जिनमें लोन पेयर होंगे, ठीक है, या फिर डिफरेंट सराउंडिंग एटम होंगे, यहाँ पे दो तरह के सराउंडिंग एटम है, ठीक है, दो तरह के सराउंडिंग एटम है, तो इस तरह के कंपाउंडों में कैसे डाइपोल मोमेंट देखेंगे, ध्यान से सुनो, मैं उसका मतलब रूल बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला केस लेते हैं, फर्स्ट केस, इनमें कोई रूल नहीं होता है, लेकिन देखो मैं रूल बना के बताता हूँ आपको, किसी बुक में नहीं मिलेगा, ऐसे रैंडम क्वेश्चन लगा रहा था तो वो रूल सब पे अप्लाई हो गया, तो वो आपको बता रहा हूँ, और आप भी अप्लाई कीजिएगा, वो आपसे क्वेश्चन लग जाएंगे। पहला केस क्या हो जाएगा कि कंपाउंड्स
कंपाउंड्स अप टू SP, SP2 एंड SP3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनका हाइब्रिडाइजेशन SP, SP2 या SP3 रहेगा, और मेलनी मेलनी जितने भी कंपाउंड्स देता है ना, ये सब इनका हाइब्रिडाइजेशन SP, SP2 या SP3 के बीच में ही रहता है, ठीक है। तो पहला केस बना आपका कंपाउंड्स अप टू SP, SP2 एंड SP3 हाइब्रिडाइजेशन। इनमें क्या होगा, फर्स्ट चीज़ आप याद रखिएगा कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है। अगर ऐसा कोई कंपाउंड दे दिया आपका जिनका हाइब्रिडाइजेशन SP, SP2 या SP3 है, उनमें क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ठीक। ऐसे देखिए, जैसे कि आपको एग्जांपल देख के तौर पे ये ले लिया जाए, अमोनिया ले लें, ठीक है, वाटर ले लें और HF ले लें, ठीक है। तो HF के पास देखिए तो तीन लोन पेयर हैं, वाटर के पास दो लोन पेयर है, अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, और तीनों का हाइब्रिडाइजेशन आपका SP3 है। HF को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SP3 हाइब्रिडाइजेशन माना जाता है, ठीक है। क्योंकि SP3 हाइब्रिडाइजेशन जब हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट हम बॉन्ड मोमेंट की डायरेक्शन को देख के निकालते हैं, लेकिन बॉन्ड मोमेंट की डायरेक्शन हर जगह क्यों देखेंगे आप, जब आपको उसके पास उससे आसान तरीका है। अगर हाइब्रिडाइजेशन SP, SP2, SP3 तक होता ना, तो बॉन्ड पेयर या लोन पेयर एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं। आप स्ट्रक्चर बना के देख लीजिएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट मतलब दो बॉन्ड पेयर एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते। उसको छोड़िए बॉन्ड पेयर लोन पेयर, मैं जो बता रहा हूँ ये तो नहीं है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन SP, SP2 या SP3 है, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो यहाँ तीन लोन पेयर है, इसके पास दो है, तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर ये आ जाएगा। ओके, वही आपका पूछ दे कि H2O2 में और वाटर में किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, तो वाटर के पास दो लोन पेयर होता है और H2O2 के पास चार लोन पेयर होता है। ऐसे करके चार लोन पेयर होता है H2O2 के पास, हर एक ऑक्सीजन पे आपके दो लोन पेयर होते हैं। तो इसके पास चार लोन पेयर है, इसके पास दो लोन पेयर है, ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा। ओके, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सब ऐसे इन जनरल नहीं सेट होंगे, लेकिन जो तरीका बताया उससे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बॉन्ड मूवमेंट देख के या लोन पेयर मूवमेंट देख के आप सेट नहीं कर पाएंगे। एक और ले लीजिए, अगर आपको ऐसा दे दिया जाए H2O2 और HF में डाइपोल मूवमेंट, तो HF में भैया तीन लोन पेयर, इसके पास कितने, चार लोन पेयर, लोन पेयर ज़्यादा, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हाइब्रिडाइजेशन SP, SP2, SP3 तक है, तो जिनके पास लोन पेयर, पहला पहला रूल हो जाएगा कि डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ऐसे करके सेट कर लीजिएगा। दूसरा याद रखिए, अगर मान लीजिए कि लोन पेयर सेम हो जाए, ठीक है, लोन पेयर सेम हो जाए तो क्या करेंगे, जैसे कि ऐसा आपका दे दे NF3 और सॉरी अमोनिया दे दे आपको, या फिर SO2 दे दे, ठीक है। लोन पेयर अगर सेम हो जाए तो क्या करेंगे, देखेंगे तो यहाँ पे सल्फर के पास, अमोनिया के पास भी एक लोन पेयर होता है, सल्फर के पास भी एक लोन पेयर। जब लोन पेयर सेम हो जाए तो क्या देखोगे कि लोन पेयर किस हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर की वजह से क्यों डाइपोल मोमेंट इतना ज़्यादा आता है, लोन पेयर ज़्यादा तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, क्योंकि जो लोन पेयर, यहाँ पे एक याद रखिए कि चार्ज डेवलप बाय लोन पेयर मोमेंट, ठीक है, चार्ज डेवलप बाय लोन पेयर मोमेंट इज हायर देन बॉन्ड पेयर मोमेंट, ठीक है। जो लोन पेयर मोमेंट की वजह से चार्ज डेवलप होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर मोमेंट, लगभग आप मान के चलिए मिनिमम दुगना होता है। अगर बॉन्ड पेयर मूवमेंट की वजह से क्यू चार्ज डेवलप होता है, तो लोन पेयर की मूवमेंट की वजह से 2Q चार्ज डेवलप होता है, लगभग दुगने के बराबर। इसीलिए तो लोन पेयर किसी भी एटम से जुड़ा रहता है, उसके जो बॉन्ड मूवमेंट की डायरेक्शन होती है हमेशा लोन पेयर की तरफ से होती है, क्योंकि लोन पेयर किसी से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, चाहे अगर फ्लोरिन भी सेंट्रल एटम क्यों ना हो, तभी भी लोन पेयर मूवमेंट की डायरेक्शन फ्लोरिन से अवे ही होगी। तो लोन पेयर में भैया मेरी इतनी ताकत होती है कि वो किसी से भी आपका इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, पोलैरिटी जनरेट कर देता है, और जब पोलैरिटी जनरेट करता है तो चार्ज ज़्यादा डेवलप होता है, ठीक है। चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि Q इंटू D की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी।
ओके, तो लोन पेयर ज़्यादा, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा क्यों होता है जानते हैं, क्यों होता है समझ में आया? क्योंकि लोन पेयर की वजह से चार्ज ज़्यादा डेवलप होता है, चार्ज ज़्यादा डेवलप होता है तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। और दूसरा केस ये हो जाएगा कि मान लो अगर लोन पेयर सेम हो गया तो क्या करेंगे, तो अब देखना आपको कि लोन पेयर किस हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। इसका लोन पेयर देखेंगे तो आप sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, इसका लोन पेयर देखेंगे तो आप sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, मतलब हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो आप ध्यान में रखिए, आप जानते हैं कि परसेंटेज s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के, ठीक है? तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इसके, ठीक है? परसेंटेज एस कैरेक्टर, अब परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो भैया मेरे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लोन पेयर की बढ़ जाएगी। अब जिस लोन पेयर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगी वो ज़्यादा खींचेगा, वो ज़्यादा खींचेगा तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, भैया मेरे जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है वो ज़्यादा खींचेगा। अगर ज़्यादा खींचेगा तो पोलैरिटी ज़्यादा डेवलप होगी, चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा। तो इसके लोन पेयर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पोलैरिटी ज़्यादा जनरेट करेगा, पोलैरिटी ज़्यादा जनरेट होगा तो चार्ज भी ज़्यादा जनरेट होगा, और चार्ज ज़्यादा जनरेट होगा तो म्यू क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है? अगर लोन पेयर सेम हो जाए तो आपको देखना है लोन पेयर किस हाइब्रिड ऑर्बिटल में, जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट है अगर उसकी उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा पोलैरिटी जनरेट करेगा, ज़्यादा पोलैरिटी जनरेट करेगा का मतलब क्या, चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा, और चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है? इस तरह से ध्यान में रखिए। ओके, अब ऐसा केस हो गया कि लोन पेयर सेम हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो जाए, तो जैसे आपका ऐसा केस आ जाए तो अमोनिया का और NF3 का, ठीक है? अमोनिया का NF3 का, यहाँ पे देखो जो एक दोनों के पास एक एक लोन पेयर है और दोनों का लोन पेयर जो है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, दोनों का लोन पेयर किस में प्रेजेंट है, sp3 हाइब्रिड। तो इस केस में क्या करना है आपको, स्ट्रक्चर बना के देखना है किसका लोन पेयर, किसका बॉन्ड मोमेंट आपका एक दूसरे में ऐड हो रहा है, कौन सा कैंसिल हो रहा है, ठीक? दो केस में हम स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, कौन सा केस, लोन पेयर ज़्यादा तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, अगर लोन पेयर सेम हो जाए तो देखना है किस हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है उसका लोन पेयर ज़्यादा पोलैरिटी जनरेट करता है तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आता है, ठीक? अगर लेकिन लोन पेयर सेम हो जाए और साथ ही साथ हाइब्रिड ऑर्बिटल भी सेम हो जाए तो सिंपली स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बना के देखो, जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, लोन पेयर इधर, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, इधर हाइड्रोजन, अब इधर देखो लोन पेयर इधर हो गया, फ्लोरीन इधर, फ्लोरीन इधर, फ्लोर, उन सब का अगर स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, उनका वही रूल अप्लाई करना, ठीक है? तो यहाँ पे देखो लोन पेयर मूवमेंट की डायरेक्शन तो हमेशा अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम होती है, क्योंकि लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन खींच ले ऐसा कोई एटम होता ही नहीं है, तो एस की डायरेक्शन ऐसे है, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगी बॉन्ड मूवमेंट की। इनमें देखो सभी बॉन्ड पेयर एक दूसरे में क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैंसिल आउट भी हो रहे हैं, ये लोन पेयर ऐसे जा रहा है तो बॉन्ड पेयर ऐसे जा रहा है, तो ओवरऑल यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, म्यू क्या हो जाएगा आपका मतलब कम आएगा एज कम्पेयर टू इसके। इनमें चारों बॉन्ड पेयर, तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, और इनमें क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, ठीक है? तो ये तीन केस तो हमेशा याद रखिए, ठीक है? उसी तरह एक और एग्जांपल अगर ले सकते हैं तो आप H2O का ले लीजिए और F2O का ले लीजिए, F2O दोनों के पास क्या है, दो दो लोन पेयर है और दोनों का हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 है, तो स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो ऑक्सीजन से ये एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, इधर फ्लोरिन, इधर फ्लोरिन, ऑक्सीजन से एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो देखो इसका लोन पेयर इधर जा रहा है, इसका लोन पेयर का मूवमेंट इधर, इसका भी इधर, इसका भी इधर, तो ओवरऑल सबका आपका ऐसे आएगा, सभी एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है ऐसे करके कैंसिल आउट भी होंगे, इसका ऐसे जाएगा तो इसका ऐसे जाएगा, तो देखो दो ऐसे जा रहा है तो दो ऐसे जा रहा है, इनमें कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट होगा तो म्यू क्या आपका आएगा, कम आएगा एज़ कम्पेयर टू इसके, ठीक है? तो डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, H2O का ज़्यादा हो जाएगा। ओके तो अगर लोन पेयर सेम हो जाए और सेम हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाए तो ऐसे स्ट्रक्चर बना के देखोगे तुम्हें फील आ जाएगा कि कौन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, कौन एक दूसरे को ऐड कर रहा है, ठीक है? इन दोनों का ऐसे रिजल्टेंट ऊपर जाएगा और इन दोनों का भी ऐसे रिजल्टेंट ऊपर जाएगा, दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, ऐसे करके ऐड हो जाएंगे, ठीक? तो इसको ध्यान में रखना अप टू हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 एंड sp3 तक, ठीक? अगर हाइब्रिडाइजेशन आपका मान लीजिए ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो गया,
sp3d2 हो गया और sp3d3 हो गया। इनके केस में क्या होता है, लोन पेयर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए XeF2 ले लीजिए, यही जो फेमस एग्जांपल है मैं दे रहा हूँ, XeF4 ले लीजिए और XeF5- ले लीजिए। इनमें आप देखेंगे तो इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, इनके पास 2 सिग्मा है और 3 लोन पेयर हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन आपका आ जाएगा sp3d। इनके पास क्या है भैया, मेरे 4 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ जाएगा। इनके पास 5 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर हैं, ठीक है, 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d3 आ गया। तो इन इनके केस में अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3d2 और sp3d3 में अगर लोन पेयर बसता है तो आपको क्या करना है, ये नहीं देखना है कि जिसमें लोन पेयर ज़्यादा तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, सीधे आपको स्ट्रक्चर बनाना है भैया मेरे। स्ट्रक्चर बना के देखो किसका लोन पेयर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, किसका लोन पेयर एक दूसरे में ऐड हो रहा है। तो इसका अगर स्ट्रक्चर हम बनाते हैं XeF5 का, तो जेनॉन हो गया, ठीक है, ये जेनॉन हो गया, जेनॉन से ऐसे करके ये बॉन्ड पेयर होंगे, ये बॉन्ड पेयर के जो 3 लोन पेयर है वो ऐसे प्लेन में जाएंगे। क्यों जाएंगे प्लेन में भैया मेरे, क्योंकि लोन पेयर वहाँ जाता है जहाँ एंगल क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो लोन पेयर प्लेन में चला जाएगा, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ठीक। तो देखो 3 लोन पेयर, देखो मैंने यहाँ पे तुमको क्या बताया था कि दो बॉन्ड पेयर अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री पे है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। उसी तरह अगर यहाँ लोन पेयर भी होता ना ऐसे करके, तो भी लोन पेयर भी कैंसिल आउट कर जाता, क्योंकि लोन पेयर का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे अपोजिट होगी। तो दो लोन पेयर भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री पे हो तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, और 3 लोन पेयर भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 120 डिग्री पे है ना तो भी कैंसिल आउट कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि दो लोन पेयर का मैग्नीट्यूड ऐसे इधर आएगा और इसका मैग्नीट्यूड जितना होगा उसका मैग्नीट्यूड भी इतना होगा। तो दो लोन पेयर अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री पे है तो भी उनका डाइपोल मोमेंट वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, और 3 लोन पेयर भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 120 डिग्री पे हैं तो वो भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 3 लोन पेयर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 120 डिग्री पे हैं, ये प्लेन वाला एंगल कितना होता है आपका, 120 डिग्री होता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे इधर आएगा, मान लो इसका रिजल्टेंट ए है, ठीक, तो इसका भी रिजल्टेंट ए ही होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो 3 लोन पेयर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 120 डिग्री पे हो या बॉन्ड पेयर हो, दोनों और दोनों एक दूसरे को कैंसिल, तीनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे अगर मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये तीनों एक दूसरे को कैंसिल आउट किए, और ये फ्लोरीन तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री पे है तो ऐसे ही कैंसिल आउट कर जाएगा। ओवरऑल डाइपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल का कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है, ध्यान में रखना। XeF2 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, तीनों लोन पेयर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा और दोनों फ्लोरीन एक दूसरों को कैंसिल आउट कर दें। उसी तरह XeF4 में जब देखे हुए तो जेनॉन का ये वाला स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होती है, ऐसे फ्लोरीन इधर, ऐसे फ्लोरीन इधर, ठीक है। मेंड्स रूल और बॉन्ड एंगल पढ़े हो कि नहीं, पढ़ाया हूँ, जाके पढ़ लो, कैसे लोन पेयर बैठाते हैं, कैसे बॉन्ड पेयर बैठाते हैं। तो ये फ्लोरीन हो गया, अब लोन पेयर कहाँ जाएगा, ऐसे करके लोन पेयर जाएगा, ऐसे करके लोन पेयर। अब देखो लोन पेयर के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है, दोनों एक दूसरों को कैंसिल आउट कर जाएंगे ये दोनों, ठीक है, अवे जाएगी, और ये वाला इसको कैंसिल आउट करेगा, ये वाला इसको, ये वाला इसको कैंसिल आउट करेगा, ये वाला इसको। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या आ गया भैया मेरे, 0 आ गया, ठीक है, और ओवरऑल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ध्यान में रखना, इनमें भी 0 हो गया। जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन बढ़ता है sp3d sp3d2 sp3d3, उसमें जो लोन पेयर आता है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाता है, इसको ध्यान में रखना। अब XeF5- जो होता है, इनमें भी देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन मैंने क्या बोला sp3d3 होगा, ज्योमेट्री पेंटागोनल बाई पिरामिडल होती है, ऐसे करके यहाँ जेनॉन होगा, यहाँ एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, ऐसे ऐसे फ्लोरीन इधर, फ्लोरीन इधर, फ्लोरीन इधर, फ्लोरीन इधर, फ्लोरीन इधर, और लोन पेयर देखो किस कहाँ जाएगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री पे, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट कर गया लोन पेयर एक दूसरे को। अब फ्लोरीन मैंने क्या बोला, प्लेन में अगर 5 फ्लोरीन है तो भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाते हैं, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट इनका क्या आता है, 0 आता है। तो लोन पेयर ज़्यादा तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा कहाँ तक लगाओगे, sp2 sp3 और sp2 और sp3 तक। अगर हाइब्रिडाइजेशन उससे ज़्यादा होता है sp3d sp3d2 और sp3d3, तो उनमें लोन पेयर आए तो ऐसे स्ट्रक्चर बना के देखना कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाते हैं ये, ठीक है, कैंसिल आउट कर जाते हैं। एक नोट्स लिखो, VIP नोट्स है, ठीक है, नोट्स
जितने भी हम लोग बैक ब्रिज बॉन्डिंग और बनाना बॉन्डिंग में, ब्रिज बॉन्डिंग ठीक है, ब्रिज बॉन्डिंग एंड बनाना बॉन्डिंग ठीक है, जितने भी कंपाउंड हमने ब्रिज बॉन्डिंग बनाना बॉन्डिंग में पढ़ा था, कौन कौन से, जैसे B2H6 पढ़ा था ठीक है, BeCl2 का डाइमर पढ़ा था, कि BeCl4 और BeCl2 BeCl4, मतलब BeCl का डाइमर पढ़ा था और पॉलीमर पढ़ा था, जैसे कि BeCl2 का होल एन, उसी तरह आपका क्या हो जाएगा, Be2H4 या फिर BeH2 का होल एन ठीक है। बेरिलियम BeCl2 का डाइमर और पॉलीमर पढ़ा था, और BeH2 का डाइमर और पॉलीमर पढ़ा था ठीक है, बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग में, बनाना बॉन्डिंग में। तो B2H6 हो गया, और ये वाले हो गए BeCl2 का डाइमर और BeH2 का डाइमर। उसके बाद आपका आ गया AlCl3 का डाइमर, जो था आपका Al2Cl6, या फिर ले लीजिए आपका Al2CCS3 का, मैंने क्या बोला, जहाँ क्लोरीन होता है वहाँ पे आपका CS3 भी हो सकता है, तो Al2CCS3 का होल 6, और आपका एक और कंपाउंड होता था वहाँ पे I2Cl6। तो इन जितने जितने भी कंपाउंड्स हमने वहाँ पढ़े थे, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग या बनाना बॉन्डिंग में, मतलब ब्रिज बॉन्डिंग और बनाना बॉन्डिंग, उन सभी का डाइपोल मोमेंट क्या आता है आपका, जीरो आता है। सभी का डाइपोल मोमेंट जीरो आता है। कैसे जीरो आता है मैं बता देता हूँ। सबका स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि इसी तरह बनता होता बनता था, जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं एल्युमिनियम का Al2Cl6, एल्युमिनियम से ये क्लोरीन इधर, ये क्लोरीन इधर, ऐसे करके स्ट्रक्चर बनता था सबका, ब्रिज टाइप में ठीक है। मैंने क्या बताया था, ये सारे टर्मिनल क्लोरीन एक प्लेन में होते हैं, और ये वाले जो होते हैं ऐसे करके परपेंडिकुलर होता है। तो इन ये वाला जो क्लोरीन है इसको कैंसिल आउट करता है, ये वाला जो क्लोरीन है ठीक है इसको कैंसिल आउट करता है ठीक है, ये इसको और ये इसको, और ये दोनों जो होते हैं ना एक दूसरे को कैसे कैंसिल आउट करते हैं, जैसे देखो एल्युमिनियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, ऐसे डायरेक्शन जाएगा, इसके डायरेक्शन ऐसे जाएगा ठीक, इसकी डायरेक्शन इस तरह जाएगा, इसके डायरेक्शन इस तरह जाएगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ऐसे ऊपर की तरफ आता है, और इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे नीचे की तरफ आता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड ए होता है तो इसका भी मैग्नीट्यूड ए होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो ये वाला इसको कैंसिल आउट कर जाता है ठीक है। तो ये टर्मिनल वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए, और ब्रिज वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाते हैं, डाइपोल मोमेंट ओवरऑल क्या आता है, जीरो आता है। तो ध्यान में रखना, जितने भी ब्रिज बॉन्डिंग बनाना बॉन्डिंग में हमने डाइमर या पॉलीमर पढ़े थे, उन सभी का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, क्योंकि सारे वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाते हैं। जैसे ये फेमस एग्जाम्पल I2Cl6, तो आयोडीन हो गया इधर, क्लोरीन इधर हो गया, इधर क्लोरीन हो गया, ये आयोडीन ठीक है, इसमें क्या कैसे जीरो हो जाता है, जैसे देखो यहाँ पे इसके पास दो लोन पेयर भी होता ठीक है, ऐसे दो लोन पेयर भी होता, तो देखो ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे के स्प्रिंग में 180 डिग्री पे कैंसिल आउट कर जाएंगे ठीक, और ये सारे स्ट्रक्चर कैसा हो गया, इसकी तरह ही हो गया। ये वाला किसको कैंसिल आउट करेगा, इसको कैंसिल आउट करेगा, ये वाला किसको कैंसिल आउट करेगा, इसको कैंसिल आउट करेगा ठीक है, और ये वाले ऐसे जाएगा, ये वाला ऐसे जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो सिंपली इसको याद रखो, नोट्स में बहुत बेहतरीन नोट्स है ठीक है। इससे I2Cl6 का पूछा है, पूछ भी चुका है कि प्लेनर होगा कि नॉन प्लेनर, तो इनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, ये पोलर होते क्या होते हैं, डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, ये नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ठीक है, नॉन पोलर, और साथ ही साथ ये प्लेनर, प्लेनर तो ये वाले होते हैं, प्लेनर की जरूरत नहीं है, प्लेनर मैंने वहाँ बता दिया कौन प्लेनर होगा कौन सा नॉन प्लेनर, बैक बॉन्डिंग ब्रिज बॉन्डिंग। पोलैरिटी का ध्यान में रखना कि ये सारे के सारे डाइपोल मोमेंट इनका क्या होता है, जीरो होता है, और ये नॉन पोलर होते हैं, जितने भी बैक बॉन्डिंग ब्रिज बॉन्डिंग में डाइमर या पॉलीमर हमने पढ़ा है ठीक। तो ये इतना हो गया, अब कोई केस नहीं बच रहा है ना, हाँ अब तो कोई केस नहीं बच रहा है ओके। तो ये सारा केस हो गया आपका कि कंपाउंड्स हैविंग लोन पेयर ठीक है। तो लोन पेयर के केस में कैसे देखेंगे, अप टू हाइब्रिडाइजेशन SP SP2 SP3 तक लोन पेयर ज़्यादा तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, और हाइब्रिडाइजेशन अगर उससे ज़्यादा हो जाए SP2 SP3 या मतलब SP3 से ज़्यादा हो जाए तो क्या करना है, उस टाइम में स्ट्रक्चर बना के देखेंगे कि किसका लोन पेयर किसको कैंसिल आउट कर रहा है, डाइपोल मोमेंट कैसे वैरी कर रहा है ओके। अब आपका चलिए लोन पेयर की वजह आप चलते हैं कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट सराउंडिंग एटम, जैसे इस तरह के, जैसे आपको दे दिया जाए CH3Cl दे दिया जाए,
सी एच टू सी एल टू दे दिया जाए, सी एच सी एल थ्री दे दिया जाए और सी सी एल फोर दे दिया जाए। तो इस तरह के में कैसे आपको, तो कंपाउंड्स अगर डिफरेंट सराउंडिंग एटम होते हैं ना, डिफरेंट सराउंडिंग एटम, तो उस केस में हमेशा आपको स्ट्रक्चर ही बना के चेक करना पड़ेगा किसका डाइपोल, किसका बॉन्ड मोमेंट एक दूसरे में ऐड हो रहा है, किसका कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक, तो ऐसे देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा कि क्लोरीन यहाँ होगा, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर। ठीक, उसी तरह इसका देखेंगे हम लोग तो इधर क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इनका देखोगे तो इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन और इधर हाइड्रोजन, और ये तो चारों क्लोरीन है। ठीक है, तो ध्यान दो इसका तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कंडीशन अप्लाई हो रहा है, कंपाउंड हैविंग जीरो लोन पेयर ऑल सराउंडिंग एटम सेम, तो जीरो हो जाएगा। इनमें चेक करना है तो देखो इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, इसकी ऐसे जा रही है, इसकी ऐसे जा रही है, इसकी ऐसे जा रही है, तो ओवरऑल चारों डाइपोल मूवमेंट जो मूवमेंट बॉन्ड मूवमेंट है वो एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं। ठीक, यहाँ चारों बॉन्ड मूवमेंट एक दूसरे में ऐड हो रहा है। यहाँ पे देखो यहाँ पे तीन बॉन्ड मूवमेंट ये वाले ऐड हो रहे हैं, एक क्या कर रहा है कैंसिल आउट कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा, दो बॉन्ड मूवमेंट ऐड हो रहे हैं और दो कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे चारों ऐड हो रहे हैं तो इसके केस में चार्ज ज़्यादा आएगा, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। इसमें तीन ऐड हो रहा है, एक कैंसिल आउट कर रहा है, यहाँ पे दो ऐड हो रहा है, दो कैंसिल आउट कर रहा है। ठीक, तो जो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड मोमेंट ऐड होते हैं एक दूसरे में तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल चारों ऐड हो रहे हैं, इसमें तीन ही ऐड हो रहा है, एक कैंसिल आउट कर रहा है, और इसमें क्या दो ऐड हो रहा है, दो कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड इसमें सबसे ज़्यादा आएगा चार्ज का, उसके बाद इसमें आएगा, इसके बाद इसमें आएगा, और इसमें तो जीरो ही हो जाता है क्योंकि ओवरऑल एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर जाते हैं। मैंने बताया था टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ये, सभी सराउंडिंग एटम सेम है। ठीक, और जीरो लोन पेयर है तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आई, इन जनरल आप याद में रखिए इस टाइप का जो मॉलिक्यूल होता है जैसे सी एच थ्री एक्स टाइप का, सी एच टू एक्स टू टाइप का, सी एच एक्स थ्री टाइप का और सी एक्स फोर टाइप का। यहाँ पे एक्स चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो और चाहे आयोडीन हो, ठीक है, सभी के केस में डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर यही होगा। ओके, सभी के जैसे जैसे हैलोजन बढ़ते जाएंगे डाइपोल मोमेंट क्या होता है इस टाइप का मॉलिक्यूल में कम होते जाता है। देखो जैसे जैसे हैलोजन बढ़ते गए डाइपोल मोमेंट कम होता गया। ओके ठीक, अब चलते हैं दूसरे केस की, दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जब सबसे फेमस एग्जांपल हम लेते हैं आपका सी एच थ्री एफ सी एच थ्री सी एल सी एच थ्री बी आर और सी एच थ्री आई। ठीक, ये सबसे फेमस एग्जांपल है, हमेशा पूछा जाता है ये, ये जेई में भी आ चुका है। इसमें एक्सेप्शन क्या, इसमें क्या है, हम चार्ज और डिस्टेंस दोनों को कंसिडर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, कार्बन से मान लीजिए बाकी सारा सेम है ना, कार्बन से क्लोरीन जुड़ा होगा, कार्बन से आपका ब्रोमीन जुड़ा होगा और कार्बन से आयोडीन जुड़ा होगा। मैंने क्या बताया था, चार्ज और डिस्टेंस में हमेशा चार्ज ही डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। तो यहाँ पे आपका चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल में, यहाँ थोड़ा कम डेवलप होगा, यहाँ तो और कम डेवलप होगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका सबसे कम चार्ज डेवलप होगा। ठीक, तो देखो ये दोनों कंपाउंड जो होते हैं ना सी एस थ्री एफ और सी एस थ्री सी एल, इनमें क्या होता है एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इस कंपाउंड में क्यू इंटू डी का जो मैग्नीट्यूड है और इस कंपाउंड में म्यूजिकल्स टू क्यू इंटू डी का जो मैग्नीट्यूड है इसमें ज़्यादा आता है सी एस थ्री सी एल में, क्योंकि इसमें देखो डिस्टेंस और चार्ज लग दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है इसके केस में ज़्यादा आता है और इसके केस में कम आता है, क्योंकि इसमें फ्लोरीन की साइज छोटी होने की वजह से जो डी हो ना डी बहुत कम मिलता है हमको, लेकिन यहाँ पे डी भी अच्छा खासा मिल जाता है और चार्ज भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो ओवरऑल इनमें क्या होता है, ओवरऑल क्या होता है क्यू इंटू डी का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो इससे ज़्यादा आ जाता है। तो बस यही, बाकी सबके केस में कम आता है, मतलब चार्ज ही का, चार्ज की वजह से हम आपका ऑर्डर सेट कर सकते हैं। इनमें जो ऑर्डर आपका मिलता है ना वो ऐसा मिलता है सी एस थ्री सी एल सी एस थ्री एफ सी एस थ्री बी आर और सी एस थ्री आई, ये डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होता है।
ठीक है, हमेशा हम बोलता हूँ कि हाँ चार्ज ही डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, बस यही एक केस होता है जिसमें चार्ज और डिस्टेंस दोनों डोमिनेटिंग फैक्टर होते हैं। इनमें क्यू इंटू डी का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू इसके क्यू इंटू डी के मल्टीप्लीकेशन, तो इसलिए ऑर्डर सेट हो जाता है। बाकी वही चार्ज ही हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, इसलिए ये चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये एक स्पेशल केस होता है क्योंकि, और एक्चुअल रीजन इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। मैं बता दूं क्या आपको, जैसे ये क्लोरीन जुड़ा रहता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से आके इसका बॉन्ड पर ऐसे हाइपर कॉन्जुगेशन करता है, तो देखो यहाँ ओवरऑल चार्ज कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, चार्ज का इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। तो चार्ज क्या होता है, ज़्यादा डेवलप होता है, चार्ज ज़्यादा डेवलप होता है, और चार्ज ज़्यादा डेवलप होता है तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इसलिए हो गया कि यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास वैकेंट नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता है। बात समझ में आ रही है? इस बात को ध्यान में भी रखना, तो मेनली ऐसे ही याद रखो कि क्यू इंटू डी का मल्टीप्लीकेशन ज़्यादा होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इसके। ठीक, एक ही ऐसा केस है जहाँ पे आपका चार्ज और डिस्टेंस दोनों डोमिनेटिंग फैक्टर होते हैं। ओके, तो इस तरह के कंपाउंड्स में ऐसे करके डाइपोल मोमेंट आप निकालेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग, आइए। जैसे कि पहले तो प्रीवियस ईयर से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, द मॉलिक्यूल विच हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट, जीरो डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखो डिफरेंट सराउंडिंग एटम है, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। दो सराउंडिंग एटम के केस में डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, लोन पेयर है तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। ठीक है, BF3 है, इसके केस में क्या है, जीरो लोन पेयर है और सराउंडिंग एटम सेम है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ClO2 में तो दो यहाँ पे लोन पेयर होते हैं तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोराइड्स ऑफ जेनॉन हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, अभी हमने देखा जेरोन का कौन कौन सा फ्लोराइड का जेनॉन डाइपोल मोमेंट जीरो था, XeF2 में, इनमें तीन लोन पेयर थे और तीनों लोन पेयर एक दूसरे को क्या कर जा रहे थे, कैंसिल आउट कर जा रहे थे, अभी हमने यहाँ पे बताया था, ये देख लीजिए। यहाँ पे देखिए XeF2 में क्या, तीन लोन पेयर थे, तीनों एक दूसरे को क्या कर रहे, कैंसिल आउट कर जा रहे थे, और फ्लोरीन भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा था, तो ऑप्शन ए भी सही है। XeF3 जेनॉन का ऑड नंबर वाला कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये तो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा। XeF4 में भी जीरो हो जा रहा था क्योंकि इनके पास जो दो दो लोन पेयर थे, ये देखो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कैंसिल आउट कर रहे थे। ओके, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट। XeF6 के केस में एक लोन पेयर होता है और एक लोन पेयर एक दूसरे से कैंसिल आउट थोड़े ना होगा, कम से कम लोन पेयर कैंसिल आउट होने के लिए दो लोन पेयर चाहिए ही, तो यहाँ पे इसका जीरो नहीं होगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। बात समझ में आ रही है? अब इस तरह के देख लो, ऐसा पूछ रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल क्या मतलब क्या है, डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो। SiF4 जीरो लोन पेयर है, सभी सराउंडिंग एटम सेम है, जीरो हो जाएगा इसका। XeF4 अभी हमने देखा कि दो लोन पेयर होते हैं लेकिन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाते हैं, जीरो डाइपोल मोमेंट मिलता है। BF3 के केस में भी क्या होता है, आपका सब बता चुका हूँ, जल्दी जल्दी करवा दे रहा हूँ। BF3 के केस में क्या है, सराउंडिंग एटम सेम है, जीरो लोन पेयर है, जीरो हो जाएगा। SF4 में एक लोन पेयर होता है सल्फर पे, एक लोन पेयर एक दूसरे को कभी कैंसिल आउट नहीं करता ही नहीं, एक लोन पेयर के केस में डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, तो क्या ये डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो SF4 हो जाएगा आंसर आपका। ओके, यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, अभी हमने कराया जस्ट कि CH3F के केस में क्यू इंटू डी का मल्टीप्लीकेशन कम आता है एज कम्पेयर टू इसके CH3Cl के केस में, तो इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, हमेशा पोलैरिटी ही देखना इस टाइप के मॉलिक्यूल में, लेकिन ये एक केस ऐसा है जिसमें पोलैरिटी और डिस्टेंस दोनों डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो यही है आपका डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, सिंपली आपको देखना अप टू हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 तक जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उनमें आपको सिंपली क्या देखना, लोन पेयर देखना, लोन पेयर ज़्यादा डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, अगर लोन पेयर सेम हो जाता है तो देखना है आपको किस हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर है, जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा लोन पेयर ज़्यादा पोलैरिटी डेवलप करेगा, चार्ज ज़्यादा डेवलप करेगा, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, अगर लोन पेयर सेम हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो आपको स्ट्रक्चर बना के चेक करना है किसके बॉन्ड पेयर किसके लोन पेयर एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं, किसके कैंसिल आउट हो रहे हैं, आपको फील आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन आपका इससे ज़्यादा हो जाता है sp2 sp3d और या sp3d2 या sp3d3 हो जाता है, तो उसमें देखना कि लोन पेयर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाते हैं, तो स्ट्रक्चर बना के देखना किसका डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा है किसका नॉन जीरो आ रहा है, ये वाले केस तो हमेशा याद रखना। ओके, उसके बाद से आपको क्या याद रखना है कि ये जितने भी ब्रिज बॉन्डिंग और बनाना बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था, ये
मॉलिक्यूल्स, उन सभी का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, सभी एक दूसरे को इस तरह से कैंसिल आउट कर जाते हैं, या नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। ओके, अब डिफरेंट सराउंडिंग एटम के केस में क्या करना है आपको, कुछ नहीं, कोई केस नहीं होता है, आपको सीधे स्ट्रक्चर बना के देखना है किसका डाइपोल मोमेंट एक दूसरे में ऐड हो रहा है, किसका एक दूसरे में कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, किसका कैंसिल आउट। और इसमें क्या देखना है आपको, सिंपली इस केस को याद रखना है कि इसके केस में क्यू इंटू डी का मल्टीप्लीकेशन इससे ज़्यादा आता है। बात समझ में आ रही है? अब इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपको, यही होता है। ओके, तो यही डाइपोल मोमेंट, इससे आपका काम चल जाएगा जितने आपके कोर्स में है। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे सवाल आते हैं। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही, जय हिंद।